अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे काफी ज्यादा दोस्त मैसेज करते रहते हैं कि अली भाई हमें कोई ऐसे कॉइन्स बता दें कि जिनमें हम सुबह को इन्वेस्टमेंट करें, शाम को निकाल लें और हमें 10-20 डॉलर वहां से बच जाएं। कोई हमें शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे कॉइन्स बता दें। अब मोस्टली लोग जो है वो लॉन्ग टर्म वाले कॉइन्स बताते हैं, जहां भी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी जाती है 3 माह बाद या 5 माह बाद या 1 साल बाद, वहां से हमें अच्छी इनकम जनरेट होती है। कोई हमें शॉर्ट टर्म के लिए कॉइन्स बताएं जिनमें हम सुबह को इन्वेस्ट करें और शाम को निकालें। मैं आपको यार एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी कॉइन में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्टली फंडामेंटल्स को एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता कि कैसे ग्राफ को एनालिसिस किया जाता है, कैसे ग्राफ को देखा जाता है, कैंडल्स पैटर्न को कैसे देखा जाता है, यकीन करें आपको जितना मर्जी स्ट्रांग सिग्नल दे दिया जाए, जैसे मर्जी आपको बता दिया जाए, आप प्रॉफिट ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखें, अगर मैंने अभी आपको सिग्नल दिया है कि भाई ये वाले कॉइन में इन्वेस्ट कर दो, ये कॉइन बहुत जबरदस्त है, आपने सुबह को उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब दोपहर में उसकी मार्केट जो थी वो काफी ज्यादा अगर ऊपर गई, तो वो टाइम था आप पैटर्न को देखते, कैंडल पैटर्न को देखते कि बायर की यहां पे जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है और सेलर्स ज्यादा हो रहे हैं, मार्केट नीचे डंप कर रही है, कैंडल्स यानी कि जो पैटर्न चेंज हो रहा है, सेलर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, रेड कैंडल बन रही है, तो आप उसे ऑटोमेटिकली उसी वक्त सेल कर दे, जितना भी प्रॉफिट हुआ वो आप ले लें। अगर आपको इस तरह कैंडल पैटर्न को नहीं देखना आएगा, आप सुबह मेरे कहने पे बाय कर लेंगे, शाम को मार्केट उस जो प्राइस मैंने आपको बताई है उससे भी डंप चले जाएगी और आप तब सेल करोगे तो आपको लॉस होगा और आप कहोगे भाई आपने जो हमें यहाँ पे कॉइन बताया था, हमने बाय भी किया और 24 आवर्स के बाद उसे सेल किया लेकिन हमें लॉस हुआ है, तो भाई 100% आपको लॉस ही होगा। फर्स्टली आपको कैंडल्स के पैटर्न को देखना आना चाहिए, ठीक है, मार्केट को एनालिसिस थोड़ा करना आना चाहिए, लास्टली इतना पता होना चाहिए कि मार्केट इस टाइम क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाली है, ठीक है, बायर की क्वांटिटी ज्यादा है या सेलर की क्वांटिटी ज्यादा है। इतनी चीज अगर आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो आप यहां पे अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मैं आपको यहां पे अच्छे कॉइन्स बता सकता हूं, अच्छे प्रॉफिट देने वाले कॉइन्स हैं उनके बारे में बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको यहां पे बिल्कुल ये चीज नहीं क्लियर कर सकता कि किस टाइम किस सेकंड्स के अंदर मार्केट ने ऊपर जाना, ये चीज कोई भी नहीं बता सकता। जो बड़े बड़े इस टाइम एनालिसिस करने वाले बैठे हैं वो यहां पे यानी कि इस चीज में धोखा खा जाते हैं कि मार्केट किस टाइम ऊपर जा रही है, किस टाइम नीचे आ रही है, तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा। क्योंकि अब देखें वकार ज़का के पास तकरीबन 17 मेंबर्स पे मुश्तमिल टीम है जो सिर्फ कॉइन्स को एनालिसिस करती है, किस टाइम कौन सा कॉइन ऊपर जाएगा, किस टाइम कौन सा कॉइन नीचे आएगा। तो आप यकीन करें उनके पेड ग्रुप के अंदर तकरीबन अगर दिन में 10 सिग्नल आते हैं तो उसमें से 4 सिग्नल जो होते हैं वो फेक होते हैं, ठीक है, रॉन्ग होते हैं। 6 सिग्नल होते हैं कि जो वो प्राइस बताते हैं उससे प्राइस पंप करती है और आपको वहां से प्रॉफिट होता है। अब इतने अगर यानी कि इतनी बड़ी टीम एनालिसिस कर रही है बैठी, वो अगर रॉन्ग हो सकती है तो भाई अगर एक सिंगल पर्सन बैठा एनालिसिस करके आपको कोई चीज बताता है तो वो भी गलत हो सकता है। इसलिए आपको खुद मार्केट को एनालिसिस करना आना चाहिए, देन ही आप यहां से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहां पे 2-3 कॉइन्स हैं जो इस टाइम जो मेरी नजर में हैं, जिन जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। वो भी आपको तब प्रॉफिट देंगे अगर आपने उनको जो उनका पिछला ग्राफ है, ठीक है, जो बैक ग्राफ है, आपने उसे अच्छी तरह स्टडी करना है कि किस टाइम मार्केट नीचे आती है, किस टाइम ऊपर जाती है, तो देन ही आपको पता चलेगा। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1 डे का ही ग्राफ देखेंगे, क्योंकि अगर आप 1 डे का ग्राफ देखेंगे आपको ग्राफ की जो शेप है वो डिफरेंट नजर आएगी, अगर आप 1 आवर का देखेंगे तो आपको शेप डिफरेंट नजर आएगी। इसलिए अगर आप 1 आवर के लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने 1 आवर का ही ग्राफ देखना है, अगर 1 डे के लिए करना चाहते हैं तो आपने 1 डे का देखना है, और आपने जो ग्राफ देखना है आपने सबसे बेस्ट वेबसाइट है tradingview.com, आपने उसी से देखना है। अगर आप किसी एक्सचेंज से ग्राफ देखेंगे तो उसमें इतने ज्यादा फंक्शंस नहीं होते, इतनी ज्यादा जूम करने की क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके ग्राफ देखें, कैंडल्स देखें, आपको वहां से अच्छा जो चीज है वो नजर आती है। तो अभी हम चलते हैं सिस्टम के ऊपर, जो 2-3 कॉइन्स हैं जो मैंने एनालिसिस किए हैं, जो अच्छे हैं, जो फ्लक्चुएट काफी ज्यादा करते हैं, आपके साथ अभी शेयर कर देता हूं, आप उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और उनमें लिटिल अमाउंट इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। दोस्तों यहां पे हम इस टाइम अपने सिस्टम पे आ चुके हैं, मैंने कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट जो है उसे ओपन कर लिया है। यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट की सूरत हाल कुछ अच्छी है इस टाइम। तो अब हम बात करते हैं कॉइन्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे कॉइन आता है वो था पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस टाइम कॉइन है। ये आप यहाँ पे इसके 1 डे का ग्राफ नीचे देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसकी मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है। यानी कि जो कॉइन मैंने रिसेंटली भी आपको बताया कि जो कॉइन जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा उसमें हम शॉर्ट टर्म के अंदर उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि उसकी प्राइस जब नीचे जाती है हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ही ऊपर जाएगी हम उसमें पेमेंट को विड्रॉ करके प्रॉफिट ले सकते हैं। छोटी छोटी ट्रेड्स यानी कि उनमें ली जा सकती हैं। कुछ कॉइन्स होते हैं जो एकदम से नीचे गिरते हैं
और काफ़ी टाइम के बाद लेकिन ऊपर जाते हैं, उनमें हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन ये वाले कॉइन्स जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये फ्लैक्चुएट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, यानी कि इनमें आप छोटी ट्रेड लेके भी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी कॉइन मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपने एक दफ़ा ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट जो है जो मैंने आपको बताई है उसके ऊपर जाना है, ठीक है। उस पर जाके एक दफ़ा जो भी कॉइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उनका ग्राफ ज़रूर स्टडी करना है फर्स्टली, ठीक है। आपने ग्राफ स्टडी करने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो फर्स्ट वाला कॉइन जो है वो ये वाला है। अगर मैं इसकी 1 मंथ की आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाऊँ तो आप 1 मंथ में भी देख सकते हैं इसने काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आई है। तो अच्छा कॉइन है, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो मेरे पास कॉइन आता है वो फाइल कॉइन आता है, ठीक है। ये भी कॉइन जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं 1 डे के अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा पंप लिया। लेकिन अभी जो इसने पंप लिया है अभी इसमें थोड़ा सा कुछ डंप आएगा, अभी आपने वेट करना है, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम करनी है क्योंकि इसने अच्छा खासा पंप ले लिया। अगर मैं यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कल इसकी मार्केट एकदम से ऊपर गई है, लेकिन अभी आप इसमें थोड़ा सा रुकें, अभी इसकी मार्केट में कुछ थोड़ा सा डंप आएगा देन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ये भी कॉइन अच्छा है शॉर्ट टर्म के लिए, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थर्ड नंबर वाले टोकन की बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है कोकॉइन टोकन। ये जो कोकॉइन एक्सचेंज है उनका अपना यानी कि टोकन है, यहाँ पे इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती रहती है। आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका 1 मंथ का ग्राफ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर यानी कि जा रही है, इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें भी आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं फिर अगेन आपको रिपीट करना चाहता हूँ भाई, जितने भी ये तीनों कॉइन्स मैंने आपको बताए बहुत अच्छे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, आप इनसे अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि आपने फर्स्टली कैंडल्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी है, कैंडल्स के बारे में आपको पता होगा तो ही आप यहां से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना लॉस करोगे। इसलिए फर्स्टली आप कैंडल्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें, क्योंकि यार ये फाइनेंशियल मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट जो भी होती है उसको फर्स्टली स्टडी किया जाता है किसी के कहने के ऊपर। जितना मर्जी कोई अच्छा सिग्नल दे दे, आप अगर उसके कहने पर बाय और सेल करेंगे एक दफ़ा आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको वहाँ से लॉस होगा। तो उस क्योंकि हर बंदा अपनी माइंड के हिसाब से आपको सजेशन देता है, उसके सजेशंस गलत भी हो सकती हैं, इसलिए आपने फर्स्टली अपने माइंड को इस्तेमाल करना है, फर्स्टली खुद फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी करें, देन आप इस तरफ आएँ आप बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे कॉइन्स बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर बाद में मार्केट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट और विड्रा जो है वो आपने खुद लेना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो चीज़ें मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश की है आपको क्लियर होगी होंगी। बाकी किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो बाकी जितने भी दोस्त चैनल पर नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि बहुत स्ट्रगल के साथ आपके लिए ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कॉमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मैं उम्मीद करता हूं जो चीज़ें मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश की है आपको क्लियर होगी होंगी। बाकी किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो बाकी जितने भी दोस्त चैनल पर नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि बहुत स्ट्रगल के साथ आपके लिए ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कॉमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।